मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं, नहीं पूछने कोई आइए नहीं रहा यहीं से। नहीं तो आप लोग प्रतिदिन खाना कहाँ से खा रहे हैं? यही जगह खा रहे हैं, सब भैया खिला रहे हैं। कौन भैया खिला रहे हैं? तेज प्रताप भैया खिला रहे हैं। हाँ नमस्कार, मेरा नाम तनवीर आलम है, आप हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से तेज प्रताप यादव जो है वो आम जनता की सेवा कर रहे हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव ने लालू रसोई का निर्माण किया था, जिसके तहत तमाम लोगों के बीच जो है वो खाना वितरण कर रहे हैं। बितले दो दिनों से तेज प्रताप यादव जो है लगातार लोगों के बीच में जो है खाना वितरण कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से सेवा जो है तेज प्रताप यादव की जो है वो जारी है। उन लोगों के बीच खाना वितरण किया जा रहा है जिन लोगों को खाना जो है नहीं पहुंच पा रहा है, जहां पर सरकार की आंखें बंद हो जाती हैं तो वहीं पर तेज प्रताप यादव की जो आँख है वो खुल जाती है और उनके बीच जो है खाना वितरण लगातार जो है वो कराया जा रहा है। और आज तेज प्रताप यादव की तरफ से जो है खिचड़ी बनाया गया है और खिचड़ी जो है वो बांटा जा रहा है लोगों के बीच में। तो सेवा आप देख सकते हैं कि सेवा जो है वो किस निष्ठा के साथ जो है तेज प्रताप यादव खुद कर रहे हैं, खुद अपने हाथों से जो है तेज प्रताप यादव जो है खिचड़ी को बनाते हैं, हर दिन बनाते हैं और उसके बाद से तमाम लोगों के बीच जो है वितरण करवाते हैं। कोने अलग अलग जो है पटना के अलग अलग हिस्सों में जो है तेज प्रताप यादव की जो टीम है वो जा करके खाना का जो है वो वितरण किया करते हैं। कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव के जो टीम के लोग हैं वो झुग्गी बस्ती में जाकर के आम लोगों को जो है खाना मुहैया करा रहे थे। तो आज तेज प्रताप यादव अपने घर के बाहर ही तमाम लोगों के बीच जो है वो खाना वितरण करवा रहे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि तेज प्रताप यादव जो है तैयार हैं पूरे तरीके से, उन लोगों के बीच खाना बांट रहे हैं जो लोग तक खाना जो है सरकार नहीं पहुंचा पा रही है और खाना वितरण जो है अलग अलग हिस्सों में जो है वो करवा रहे हैं। साथ में आप देखेंगे कि घर से जो लोग अपना बर्तन भी लेके आ रहे हैं उसमें भी जो है खाना इसमें दिया जा रहा है। तेजी कितने लोग तक पहुँच रहा है ये खाना? कम से कम 2000 लोगों तक पहुँच जा रहा है खाना लगातार। जो हमारा कॉन्सेप्ट जो हमारा जन्मदिन के उपलक्ष्य से जो हमने चालू किया, लगातार आसपास के जितने गरीब गुरबा हैं सब यहाँ से फूड ले जा रही है, खाने का व्यवस्था कर दे रहे हैं। तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार के बैनर तले और लालू की रसोई जो हमने कॉन्सेप्ट को चलाने का काम किया उसके द्वारा हम लोग खाना देने का काम कर रहे हैं। लगातार तेज प्रताप यादव बता रहे हैं जो कॉन्सेप्ट उनका था लालू की रसोई, उसके तहत जो है 2000 लोगों को पटना के अलग अलग हिस्सों में जो है तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की जो टीम है वो खाना मुहैया करा रही है। एक बात बताइए, सरकार की तरफ से कुछ आप लोग को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं पूछने कोई आइए नहीं रहा यहीं से। नहीं तो आप लोग प्रतिदिन खाना कहाँ से खा रहे हैं? यही जगह खा रहे हैं, सब भैया खिला रहे हैं। कौन भैया खिला रहे हैं? तेज प्रताप भैया खिला रहे हैं। तेज प्रताप भैया रोज खिला रहे हैं? हाँ, तीन दिन से चल रहा है। अच्छा, तो आप साफ लोगों को तो ही सुन सकते हैं कि प्रतिदिन जो है तेज प्रताप यादव जो है उन गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं जहां तक सरकार की जो है नज़रें नहीं पहुंच रही है। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरें आप तक सबसे जल्दी पहुँच सके।